ये बात अच्छा होगा। एक धुन है भैया जी, सज्जन भैया, बहन भैया, दर्ज सुनिएगा। भैया का जवाब नहीं सुने, गोरा है दूल्हा काली दुल्हन है, साली दुल्हन है। ये बात गोरा है जीजा तो काली है, साली काली वो दिख रही है, इतनी तो गोरी है। आइए एक गीत आया भैया जी, अरे कुंडी खोल हो होती है। अरे जब जब मियां बीवी में तकरार होती है, तकरार होती है, मियां बाहर होता है और बीवी अंदर सोती है। बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे मियां बाहर होता है, बीवी अंदर होती है। ये दर्ज है, इसको किनारे करिए। एक बार माता जानकी ने बाबा बजरंगबली से कहा कि बजरंगी अब समय आ गया है, तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। बहन भैया, बहन भैया, बहन भैया, सज्जन भैया, बजरंगबली से माता जानकी ने कहा कि बजरंगी अब तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। समय भी हो गया, समय हो गया है। बजरंगबली ने कहा नहीं मैया, अरे इस झमेले में हमको मत डालो। भैया जी सलन भैया, मैया ने कहा नहीं बजरंगबली अब तुमको शादी करनी पड़ेगी। बजरंगबली ने कहा ठीक है मैया, आप कह रही हैं तो कर लेते हैं। ये बताइए क्या कोई लड़की लड़की देखी है क्या? बजरंगबली ने कहा अरे कह रहा हूँ मान जाइए, माता के साथ नहीं शादी करनी है और लड़की भी देख ली है। बोले कौन? ये खड़ी है ना अपनी मंथरा। भैया जी और जैसे ही कहा मंथरा तो बजरंगबली को याद आ गया कि एक बार बजरंगबली उनकी सेवा कर चुके थे, सेवा कर चुके थे। बजरंगबली ने कहा माता जरा लड़की की रजामंदी हो जाए, एक बार बुला को लीजिए, जरा फेस टू फेस बात तो कर लें। अब देखिए मंथरा खड़ी है, माता जानकी खड़ी है, प्रभु राम खड़े हैं और प्रभु राम के पीछे बजरंगबली खड़े हैं। माता ने पूछा बताइए बजरंगबली से शादी करेंगी? और मौका देखते ही बजरंगबली ने मुस्तिका इशारा किया। भूल गई होगा, भूल गई भैया। अब जैसे ही ये इशारा किया बस शादी हुई नहीं है, ये याद रखिएगा, शादी नहीं हुई है, लेकिन इस बात की चर्चा पूरी अवध में हो गई कि बजरंगबली की शादी मंथरा से होने और केस चैनल वालों के माध्यम से ये चर्चा आपकी भी पहुंच जाएगी अयोध्या तक।
भैया अब देखिए चर्चा हो रही है तो अवध के वासी कह रहे हैं अगर मंथरा की और बजरंगबली की शादी हो गई तो इनका जोड़ा कैसे होगा, क्योंकि जोड़ा देखा जाता है। और क्या? तो कहने लगे अवधवासी कि इनका जोड़ा ऐसी ढोलक बजा रहा है यही वजह से इसका भी जोड़ा नहीं बने पा रहा है। भैया देखिए अवधवासी कह रहे हैं कि इनका जोड़ है जोड़ी का ना कोई तो। बोले वो कैसे? बोले सुनिए इनकी पूछ इधर है बजरंगबली की कि इनकी पूछ इधर है तेरी उसकी कूबर तेरी मेरी। बोले और क्या है? बोले और चीज मिली है क्या कि इसने घर में आग लगाई। यानी इस मंथरा ने कि उसने घर में आग लगाए इन्होंने लंका जाके जलाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर समस्या है अरे घर फुकनी घर फुकना में। वाह भाई वाह। अरे इसने घर नहीं उलट पलट लंका सब जारी पूरी नगरी जला दी। तो घर फुकनी घर फुकना में झमेल हुई जाए। अरे घर फुकनी घर फुकना में झमेल हुई जाए तो गड़बड़ खेल हुई जाए। तो गड़बड़ खेल हुई जाए जिंदगी जेल हुई जाए। धन्यवाद है लेकिन समस्या आ गई। अरे मेल और फीमेल में जो वाह बेटा वाह। लोगों ने कहा मेल फीमेल का तो जोड़ा होता है लेकिन बोले लेकिन ऐसा नहीं होता। हाँ ऐसा तो होता ही नहीं। अरे मेल और फीमेल में जो ई मेल हुई जाए तो गड़बड़ खेल हुई जाए जिंदगी जेल हुई जाए। राम मोहन
हृदय में हरिदास लिए बैठे हैं, मन में मोहन को सूरदास लिए बैठे हैं, उल्टी वाणी कबीरदास लिए बैठे हैं, क्योंकि कठौती में गंगा रविदास लिए बैठे हैं। राम का नाम जपो ये तन रहे रहे न रहे, और उसकी बूंद है जीवन रहे रहे न रहे, क्योंकि हम मुसाफिर हैं चले जाएंगे दो दिन के लिए, और कौन कहता है कि दो दिन रहे रहे ना। भक्ति पर अगर आ जाए आज, हाँ, तो कठौती में गंगा तो छोड़ो, स्वयं भगवान को आना पड़ेगा, क्योंकि खिड़की खोल खोल दरवाजा गुस्सा ना कर बाहर आजा। ढोलक वाला ऐसा न देखा, ना कोई बाहर है, हम तो ये देख रहे हैं सुनेगा। अरे जब जब दीदी जीजा जी की बात होती है, अरे बात होती है तो जीजा जी के संग में देखो दीदी साथ होती है। इतनी कोशिश करो लेकिन होएंगे थोड़ी। मैं श्री राम बहादुर जी पंडित कपूरवा आपकी तरफ से 51 पद मुद्रा है, धन्यवाद है, बढ़िया प्रयास आपने दिया है, सीटी नहीं है ए भैया। श्री रमेश सिंह सेवर जी सेरापुर 51 पद मुद्राएं आपने भेंट की है, नमन कर रही हूँ। आप कह रहे हैं क्या बेटा, पहले तो आपने कहा कि इनकी शादी करा दी जाए, और शादी जब करा दी जाए तो फिर आप कह रही हैं क्या बेटा कि घर फुकनी घर फुकना मैं जब मेरी हो जाए। सवेरे सवेरे बढ़िया गीत सुनाया है। हाँ फुकनी फुकना फुकनी
फुकनी फुकना फुक आइए बढ़िया प्रयास आप कर रहा है बहुत बढ़िया बेटा शब्दों का तालमेल बेहतरीन तालमेल एक ठुकनी है दूसरा हम कुछ नहीं कहेंगे भाई हमारे लिए दोनों लड़कियां बराबर हैं अरे गीत की बात कर रही हूँ मैं चलो तो हम कह दे रहे फुकना आपने मंथरा और हनुमान जी महाराज की शादी की बात चलाई सारी अयोध्या में फैल गई तो लोग कह रहे हैं गड़बड़ खेल हो जाए जिंदगी जेल हो जाए जेल कौन जाएगा मंत्रा जाएंगे या गांव वाले जाएंगे खैर भाव इनके एक फीस का ये है कि इनका गोबर टेढ़ा मेरा है उनकी पूंछ टेढ़ी मेरी है इन्होंने घर में आग लगाई है उन्होंने लंका में आग लगाई है भैया हमारे श्री बबलू यादव जी पंडित पूर्वा 101 पद मुद्रा है धन्यवाद है क्योंकि नाम मंथरा मंदमती चेरी जश पिटारी ताहे कर गई गिरा मति फेर नाम मंत्रा मंद मत चेरी कह गई केर अजस पिटारी ताहे कर गई गिरा मति फेर तो घर फोड़ने का काम तो वहाँ सरस्वती जी कर रही हैं और तो सरस्वती जी की भी मजबूरी है उन्हें भी भेजा गया है यानी देवताओं ने स्वयं भेजा है लेकिन अब शादी की बात है तो शादी ही करवानी पड़ेगी और क्या बचे अब शादी किसकी करवाएं हां पहले गेस्ट हाउस बुक करो बहन जी कोई विशेष होनी चाहिए शादी में और क्या जैसे इधर ऊपर टेढ़ा मेढ़ा उनकी पूंछ टेढ़ी मेढ़ी हां पूंछ टेढ़ी मेढ़ी केस अब ऐसी कोई कहीं बात है नहीं वैसे अनोखी बात लेकिन ब्रजेश भैया नहीं मरे भाई पप्पू भैया जी जवाब लाने का प्रयास करूं जरा सुनिएगा सुनिए बोले देती हूँ आप हैं अच्छा भैया ने लिखा है प्लीज किसी के घर में आग ना लगा कर मेल करवाएं ये अरे चलो तो फिर आग ना लगाई जाए ना और मेल हो जाए क्या बात है मेल हो जाना चाहिए हाँ आपका मेल हुआ नहीं है मेल तो हुआ लेकिन हुआ नहीं है मैं जवाब लाऊंगी कि मेल हो जाए और आग भी ना लगे और क्या मेल होते देख लोगों को आग भले ही लग जाए भले लोगों के दिल जल जाए तो लेकिन मेल होके रहेगा और क्या 101 पद मुद्राएं हैं धन्यवाद है और आप भैया कौशलेन प्रताप सिंह जी सानू भैया विधायक प्रतिनिधि हैं आप तखत खेड़ा से हम लोग भी शायद तखत पे हैं कि बेंच हाँ हाँ
कहीं ना कहीं है फिलहाल। आदनी भैया के कर कमलों से 101 पद मुद्राएं हैं। सानू भैया ढेर सारा धन्यवाद है। आप हैं श्री राजेश सिंह पूरे बेसन से 101 पद मुद्राएं हैं। धीरेन्द्र सिंह पूरे बेसन योग टीम माँ आनंदी धाम के वरिष्ठ सदस्य हैं। 101 पद मुद्राएं हैं, धन्यवाद है। अब महाराज जन्म ने देखा कि भूप से इस तरह कई बार लगे उठावन तरी नारा तुम्हारा जन्म बोले जाओ रह जाओ धनुष तोड़ मैं तो दूर उठा नहीं पा रहे हो जाओ तो जहू वहां से निजी निज रह जाओ लिखा नविद वैदे ही विवाह बोले वचन रो सुजनु साने। महाराज जनक विद्वान है फिर भी ऐसे वचन बोल रहे हैं क्या भैया जी वीर विहीन मही में जाना हो जाओ। और जब ऐसे वचन बोले किसी ने कहा कि जनक जी वेदों के ज्ञाता हैं और गुस्से में तो बोल रहे गुस्से में नहीं बोलना चाहिए बोले गुस्से में नहीं बोल रहे गुस्से जैसे बोल रहे गुस्सा होने का ड्रामा कर रहे हैं और क्या क्यों क्यों गुस्सा होने का ड्रामा क्या जरूरी था कारण है कारण ये है कि राम जी भैया जी जो धनुष तोड़ने जा रहे हैं उनसे धनुष टूटना नहीं है मतलब जो धनुष तोड़ने जा रहे हैं भूप सैदस से कई बार उनसे धनुष उठना नहीं है और जिनसे धनुष उठना है वो उठ नहीं रहे हैं यानी वो बैठे ही हैं और क्या तो उनको उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा यानी राम जी है रघुकुल के पताका लेकिन रघुकुल पताका यानी झंडा लहराने के लिए पहले डंडा उठाना पड़ेगा और क्या और डंडा कौन है लक्ष्मण जी और ये डंडा कब उठेगा जब दो चार बातें गुस्से में कर दी जाए तो बोले वीर वीर मही में जाना और जैसे ही सुना तो लखन जी बोले ए महाराज रघुवंशन मैं जो को होई तेई समाजस कहे न कोई काचे घट जिम डारा घोरी कंदो के ब्रह्मांड उठावा सो योजन लेके दौड़ जाओ कहो तो धनुष के छोटे 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 टुकड़े कर दो। राम जी गुरु जी का आदेश मिला खड़े हुए धनुष को तोड़ने के लिए जा रहे हैं लक्ष्मण जी बोले प्रभु बड़ी देर कर दी तुमने उठने में आखिर इतनी देर क्यों लगा दी तो राम जी बोले लक्ष्मण ऐसा है मैं रघुकुल का शूर हूँ और सूर जब निकलता है तो उसके पहले लालमा छाती है लालमा छाती है तो हे लक्ष्मण जब तक तुम्हारी क्रोध रूपी लालमा नहीं छाती तब तक ये सूर कैसे उठ पाता आ बस हो गया हो गया। अब सभी वहां सोच रहे हैं कि राम जी धनुष को तोड़ दें और राम जी का विवाह सीता जी से हो जाए। अब धनुष टूट गया बहन जी अब सब आपस में बातें कर क्या रहे हैं बहन जी इनका विवाह जरूरी क्यों था क्यों इन दोनों का सुनेगा सुनिए कि मन में बोल बोल बोले सब गानी सबसे यहाँ होता है जब विवाह होता है तो विवाह में कुछ गालियां गाई जाती हैं गालियां गाते हैं तो गालियां गा रही हैं जनकपुर की सखियां कि काहे करते अभवाने ओ राजा राम लला काहे करते अभवाने ओ राजा राम लला बोले लक्ष्मण जी बोले काय अभिमान ना करें हमें तो अभिमान है अपने राम ही पे बोले का अभिमान है बोले हमारे राम जी ने धनुष तोड़ दिया है बोले नहीं धनुष राम जी ने नहीं तोड़ा
पहले तो तुम बिना बुलाए आ गए। हाँ तुम्हें बुलाया था किसी ने? बताओ बुलाया था? क्या से कहते कैसे कहते? तुम्हें तो बुलाया ही नहीं था। हाँ बोले तुम तो ऐसे ही आ गए। तो राम जी से लक्ष्मण जी बोले भैया कह दो ना चिट्ठी गई थी। राम जी बोले क्या झूठी कहते गई ही नहीं थी चिट्ठी। बोले क्या हो गया ससुराल में तो झूठ बोल लिया जाता है। जीजा जी हो थोड़ा बहुत चलता है और क्या झूठ बोल दो और क्या बोल दो। सो राम जी ने सखियों की तरफ देखा बोले चिट्ठी नहीं गई थी ना। लक्ष्मण जी से झकिए बोली देखो सही कह रहे हैं। बोले क्यों प्रभु चिट्ठी नहीं गई थी? बोले चिट्ठी नहीं गई थी। फिर सखियों की तरफ गए सखियों ने कहा क्यों चिट्ठी गई थी? बोले चिट्ठी नहीं गई थी। फिर लक्ष्मण जी बोले क्यों झूठ बोलो? बोले चिट्ठी नहीं गई थी। बोले चलो छोड़ो हमें तो अभिमान यह है कि धनुष तोड़ दिया। राम जी बोले लक्ष्मण अगर बात सही मानी जाए तो धनुष मैंने नहीं तोड़ा। क्या बात है? बोले अभी सत्य बात में क्या छुपाना सही है बता दो तोड़ा तो तोड़ा। राम जी बोले अगर सत्य पूछना चाहते हो तो लक्ष्मण धनुष मैंने नहीं तोड़ा। सखिया बोली इसका बात का प्रमाण भी नहीं है क्योंकि आपने तोड़ा ही नहीं है। क्यों? कोई प्रमाण देने वाला हो तो बताओ। ले तो चलावत खेचत गाड़े काहू न लखा देख सब ठाणे कोई बोलेगा ना। तो राम जी बोले सच्चाई यही है कि धनुष मैंने नहीं भैया जी और ये सत्य है दुनिया में कोई किसी को नहीं तोड़ सकता है केवल समय तोड़ सकता है। तो ये लक्ष्मण धनुष मैंने नहीं समय ने तोड़ा है क्योंकि जब राजा धनुष तोड़ने गए थे तब धनुष का समय नहीं आया था और जब मैं गया तब विश्वामित्र समय सुब जा रहे। सुनिएगा सुनिए पैदा है ना बोल। क्यों? सखियां कहने लगी हमने सुना तुम्हारे यहाँ खीर से जन्मते हैं। तुम्हारे यहाँ खीर से लाला पैदा हुए हैं। तो लक्ष्मण जी बोले तुम्हारे यहाँ कौन से आई? बोले वो तुम्हारे यहाँ तो धरती से निकली है। सुनिएगा कि ये है खीर से जन्मे तो वो धरती से आई है। भाभी ब्लॉक मंडल अध्यक्ष बीजेपी से भैया हमारे धीरज सिंह जी उपाध्यक्ष नव दुर्गा पूजा समिति शेरापुर से आपके कर कमलों से ये 101 पद मुद्राएं